हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में डेट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और टेक्स्ट दिया हुआ है। तो अभी करना क्या है कि डेट और टेक्स्ट को दोनों को एक साथ लिखना है, मतलब जोड़ना है। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो यदि हमको जोड़ना है तो यहाँ पे हमको लिखना होगा इज इक्वल टू। लिखने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको यहाँ पे देना है एंड। एंड देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि बीच में आपका क्या आना चाहिए दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अभी हाइपन। हाइपन डालने के बाद आपको देना है यहाँ पे फिर से एक एंड देना है। एंड दे दी, अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फार्मूला लगा लेते हैं। टेक्स्ट फार्मूला लगाने के बाद वैल्यू डालना है, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डेट वाला, उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो डेट का फॉर्मेट होगा DDMMYY। तो यहाँ पे हम DD देंगे, उसके बाद स्लैश देंगे और MM, फिर स्लैश और YYY। चार बार वाई देते हैं तो पूरा यहाँ पे ईयर आएगा। उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करना है, क्लोज ब्रैकेट देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, टेक्स्ट और डे दोनों मेरा यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। तो यदि आपको सबका निकालना है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करिए, सबका आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हाइपन नहीं आए, यहाँ पे स्पेस आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से इज इक्वल टू देते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है एंड, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में डाल देना है स्पेस, और उसके बाद फिर से एंड डालना है। और इसको ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट फार्मूला डालेंगे। टेक्स्ट फार्मूला डालने के बाद वैल्यू डालना है और कोमा देके लिखना है DDMMYY फॉर्मेट। तो यहाँ पे डाल देते हैं DD/MM/YY। चार बार वाई डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। तो जैसे ही ये करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, टेक्स्ट के साथ मेरा डेट यहाँ पे फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट और डेट को दोनों को ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग डेट और टेक्स्ट को एक साथ लिखे। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर। दूसरे एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिख रहा है हम डेट लिख के रखे हैं और उसको डे में कन्वर्ट किए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डे, यदि हमको इसको आगे में हमको जीरो भी चाहिए तो कैसे लाएंगे, तो कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे और कस्टम में आके यहाँ पे हमको लिखना है 2 बार D। जैसे यहाँ पे हम 2 बार D प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ पे मेरा ओनली 1 दिख रहा था वहाँ पे अभी मेरा 2, 3, 4 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम डे को पूरा ला चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्सडे कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला क्या लगाया हम लोग, इज इक्वल टू दे के A2 को सिलेक्ट करके लिख दिए। तो यहाँ पे आया कैसे, तो हम किए क्या थे, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+1 बटन प्रेस किए थे कीबोर्ड से, और कस्टम में आके यहाँ पे 4 बार D लिख देना है। तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ पे पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निकालना है हमको लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब जो मंथ यहाँ पे हम लिख के रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4/2021, तो इसमें मंथ कौन सा है तो हमको चेक करना है। तो Ctrl+1 करेंगे और जहाँ पे मेरा 2 बार M है वहाँ पे हम 3 बार M कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्रैल का महीना है और 1 तारीख दिखा रहा है। और यदि हमको देखना है लास्ट डे कौन सा मेरा आएगा, मतलब क्या डेट आएगा इसी मंथ का, मतलब अप्रैल का, तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे EO मंथ। जैसे इज इक्वल टू EO मंथ लिखेंगे, इसमें पूछता है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट इसको डाल देंगे और कॉमा लेके डालेंगे 0। यदि हमको इस मंथ का ही देखना है तो हम डालेंगे 0 और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा निकल चुका है 30/4/2021। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि अगले महीने का देखना था हमको कि अगले महीने में लास्ट डेट मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे हमको क्या देना है, 0 के जगह जैसे हम यहाँ पे 1 देके चेक करते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, मतलब अगले महीने में क्या होगा मेरा, 31 तारीख होगा। और 4 वाला महीना में, मतलब अप्रैल में क्या होगा मेरा, जैसे यहाँ पे 0 देके देखते हैं तो यहाँ पे हमको 30 दिख रहा है। तो आपको समझ में आया कि इस मंथ और अगले मंथ का कैसे निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का हमको निकालना है कि पहला डेट मेरा क्या होगा, तो उसमें भी यही सेम चीज़ होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू EO मंथ लिखने के बाद आपको स्टार्ट डेट डालना है। तो स्टार्ट डेट होगा मेरा 1 अप्रैल 2021। और नेक्स्ट मंथ का देखना है तो नेक्स्ट मंथ के लिए पहले आप यहाँ कॉमा देके 0 दीजिए, और तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इसी मंथ का दिखेगा, उसके साथ आपको +1 कर देना है। अब इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मंथ का दिख रहा है 1/5/2021। तो आपको समझ में आया नेक्स्ट मंथ का हमको फर्स्ट डेट कैसे देखना है और इसी मंथ का लास्ट डेट कैसे देखना है, अगले मंथ का लास्ट डेट कैसे देखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्क डे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वर्क डे निकालने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाने के बाद आपको नीचे दिख रहा है बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। पहला लिखा है स्टार्ट डेट कब से, जैसे यहाँ पे दिया 1/5/2021, तो इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे, कितना दिन आपको काम करना है, तो हमको करना है मात्र 5 दिन, उसके बाद कॉमा देंगे।
उसके बाद पूछता है वीकेंड, मतलब कि सप्ताह में छुट्टी भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे संडे को ले लेते हैं, तो संडे के लिए हमको यहाँ पे लिखना है 11, 11 लिखने के बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूछता है हॉलीडे, यदि हॉलीडे है तो डालिए, नहीं है तो आप हॉलीडे को हटा के क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करिए। तो यहाँ पे कितना बता रहा है, 7/5/2021, मतलब यदि 1 तारीख से काम करना स्टार्ट करता है तो वो कितना दिन काम करेगा, 7 दिन, उसमें उसका एक दिन क्या हो रहा है, संडे को छुट्टी हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी कैलेंडर में कि 2021 में कितना होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 2022 का खुला हुआ है, 2021 का खोल लेते हैं कैलेंडर को। तो यहाँ पे 2021 का मेरा कैलेंडर खोल चुका है, मई महीने का। मई में हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 वाला देखना है। तो यहाँ पे 7 तारीख, 1 तारीख से काम स्टार्ट हुआ था मतलब सैटरडे, और 2 तारीख को छुट्टी, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन मेरा काम हो गया। उसके बाद 7वां दिन बता दिया कि 7वां दिन यहाँ से काम होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे किसी को यहाँ पे 5 दिन छुट्टी देना है, मान के चलिए अभी हम लोग यहाँ पे 5 लिखे थे, 5 के जगह हम 5 को हटा के यहाँ पे सैटरडे डाल देते हैं 4 वाला और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 6 तारीख दिख रहा है, क्योंकि 5 तारीख तक वो गिनती किया है, मतलब काउंट किया है, उसके बाद डायरेक्टली 6 तारीख बता रहा है। यदि आपको इसमें हॉलीडे भी डालना है, जैसे यहाँ पे हम 11 सेलेक्ट किए थे वीकेंड संडे के लिए, उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे हम लोग हॉलीडे डाल देते हैं 2 दिन, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, इंटर करते हैं, तो 6 की जगह हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 5। यहाँ पे हम 5 कर देते हैं और नीचे में भी हम 5 कर देंगे। 5 करने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा डेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना दिन काम करना है, हमको 8 तारीख तक काम करना है, 8 तारीख से मेरा स्टार्ट होगा। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पे काम कर रहा है मेरा वर्क डे इंटरनेशनल। आपको यहाँ पे डालना है बहुत सारा चीज, स्टार्ट डेट पहले डालना है, फिर डे डालना है, कितना दिन आपको छुट्टी लेना है, उसके बाद वीकेंड डालना है, उसमें कौन कौन सा डे में छुट्टी होगा। जैसे हम वीकेंड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे हम 11 डालें तो 11 की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे 11 को हम हटाते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 दिन भी लेना है तो 2 दिन ले सकते हैं, जैसे सैटरडे संडे लेना है या संडे मंडे लेना है, जो भी लेना है आप सिलेक्ट कर लीजिए वो नंबर। अभी तो हम लोग सिर्फ संडे दिए थे, जैसे हम यहाँ पे सैटरडे संडे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दिन छुट्टी मिलेगा। उसके बाद हॉलीडे का भी छुट्टी है, तो डायरेक्टली कितना दिन हो गया, 10 तारीख तक आ गया। तो अब जब भी मेरा काम स्टार्ट होगा कब से होगा, 10 तारीख से होगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं वर्क डे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगा के कि कब से मेरा काम स्टार्ट होगा और अभी कौन सा डेट है और कितना हॉलीडे देंगे और कितना वीकेंड देंगे। तो आपको समझ में आया कैसे यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से आप वर्क डे इंटरनेशनल का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सीट डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पे डे को निकालेंगे बिना फॉर्मूला लगाए, कैसे डेज को निकालेंगे बिना फॉर्मूला लगाए, और यहाँ पे ईओ मंथ का क्या यूज होता है, इसी मंथ का कैसे हम लोग लास्ट डेट देखेंगे और नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट कैसे देखेंगे और नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट कैसे देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या बताए थे वर्क डे इंटरनेशनल फार्मूला का क्या यूज़ होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारा फार्मूला को सीखा, तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।